Hello everyone, in this video lecture of microcontroller 8051, I am going to discuss how we can interface LCD with 8051 microcontroller. तो first of all हमें पता होना चाहिए कि what is LCD. LCD stand for liquid crystal display. ठीक है, as name suggests this is display, means it work as a output device. ठीक है, नाउ दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एलईडी. इट इज मोर वाइडली यूज्ड इन कंपैरिजन टू एलईडी. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलसीडी ओवर एलईडी. एलईडी इज द लाइट एमिटिंग डायोड. इट कैन बी अ 7 सेगमेंट एलईडी और मल्टी सेगमेंट एलईडी. तो फर्स्ट क्या होगा, दिस इज डिक्लाइनिंग प्राइसेस ऑफ एलसीडी. सेकेंड थिंग, programming of LCD devices is easy. ठीक, ability to display characters, numbers and graphics. In comparison to LCD, LED can represent only numbers and few characters. And last point is, in case of LCD, there is internal controller to refresh LCD. But in case of LED, LED is refreshed by the CPU. So these are the advantages of LCD over LED. ठीक है, now अब हम interface करते हैं 8051 को. This is our 8051. This is 8051 and this is our LCD. यह है हमारी LCD. ठीक, इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल LCD को अगर हमें ऑन करना है तो हमें पावर सप्लाई चाहिए. पावर सप्लाई के लिए हम इसको ग्राउंड देंगे एट VSS एंड 5 बोल्ट पावर सप्लाई देंगे एट VCC. ठीक है, देयर इज वन मोर पावर सप्लाई, दैट इज VEE विच इज यूज टू कंट्रोल द कंट्रास्ट ऑफ LCD डिस्प्ले. ठीक है, ये वेरिएबल होगा. यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, नाउ अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो VCC इज प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई एंड VSS इज ग्राउंड एंड VEE इज अ पावर सप्लाई टू कंट्रोल कंट्रास्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पिन इज RS. RS इज रजिस्टर सेलेक्ट. दिस इज यूज टू सेलेक्ट इंटरनल रजिस्टर ऑफ LCD. इफ RS इज इक्वल टू 0 देन कमांड रजिस्टर इज सेलेक्टेड. इफ कमांड रजिस्टर इज सेलेक्टेड, इट अलाउ यूजर टू सेंड कमांड टू क्लियर डिस्प्ले कर्सर एट होम ETC. ठीक, वेन RS इज इक्वल टू 1 इंटरनल डेटा रजिस्टर इज सेलेक्टेड. Now, if data register is selected, it allow to users to send data to be displayed. जो भी डिस्प्ले करना है वो डेटा सेंड कर सकते हैं. Now, this RS pin is connected with the P2.0, means port 2 की पिन नंबर 0 से. Next pin is RW. ठीक है, RW, this is basically read/write. ठीक है, if R/write is equal to 0, means क्या ऑपरेशन होगा, writing on LCD. and if RW is equal to 1, then क्या होगा,
रीडिंग डेटा और रीडिंग कंटेंट फ्रॉम द एलसीडी। ये किससे कनेक्टेड होगी? दिस विल बी कनेक्टेड विद द P2.1। नाउ नेक्स्ट इज ई। ई इज इनेबल, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ P2.2। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दिस पिन इज यूज्ड बाय एलसीडी टू लैच इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन डेटा बस। लास्ट पिन हमारी क्या है? डेटा बस। डेटा बस इसमें कितनी होगी? 8 बिट की। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 ऑल विल बी कनेक्टेड विद द पोर्ट 1, P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6 एंड P1.7। ठीक है, ये किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी? ठीक, एंड ये डेटा बस क्या कैरी करेंगी? इंफॉर्मेशन। इफ यूजर वॉन्ट टू रीड डेटा और राइट डेटा, इन बोथ केसेस डेटा विल बी कैरी थ्रू दिस डेटा बस। नेक्स्ट देखते हैं डेटा बस D0 to D7। दिस इज 8-bit डेटा पिन। ठीक है, तो इट कैन बी वर्क एज अ इनपुट आउटपुट, मीन्स कि दिस इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दिस इज यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन टू एलसीडी एंड यूज्ड टू रीड डेटा और रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलसीडी। ठीक है, नाउ इफ वी वॉन्ट टू सेंड कैरेक्टर्स और नंबर टू द एलसीडी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आरएस शुड बी सेलेक्टेड एज 1, मीन्स कि हमें डेटा रजिस्टर के थ्रू सेंड करना है, एंड जो कैरेक्टर्स और नंबर सेंड होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो एस्काई कोड्स में होंगे। फॉर A to Z, एस्काई कोड फॉर A to Z कैप्स में, A to Z स्मॉल एंड 0 to 9 नंबर्स के लिए। फॉर दीज कैरेक्टर्स एंड नंबर्स हम क्या यूज करेंगे? एस्काई कोड। इन दैट केस RS शुड बी इक्वल टू 1, तो वो हमारा RS1 का। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ RS0? RS0 होगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज यूज टू सेलेक्ट कमांड रजिस्टर। नाउ इन दिस केस विच टाइप ऑफ कमांड इज सेंड? यहाँ पे जो कमांड सेंड होंगे फॉर क्लियर, डिस्प्ले और स्क्रीन। दूसरा क्या होगा? टू फोर्स कर्सर एट होम और कर्सर ब्लिंक। वन मोर ऑपरेशन, इफ आर एस इज इक्वल टू 0, तो इट कैन बी यूज्ड टू चेक बिजी फ्लैग बिट स्टेटस। और वो बिट क्या होती है? D7। मीन्स इफ आर एस इज इक्वल टू 0, D7 की स्टेटस चेक करनी है, मीन्स रीड करना है, तो RW शुड बी इक्वल टू 1, एंड इफ D7 इज इक्वल टू 1, मीन्स LCD इज बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ इंटरनल ऑपरेशन। इसका मीन्स क्या हुआ? LCD क्या है? बिजी है, और वो कोई भी नई इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर सकता। बट इफ RS इज इक्वल टू 0, रीड राइट इज इक्वल टू 1 एंड D7 इज इक्वल टू 0, मींस LCD इज रेडी टू रिसीव न्यू इंफॉर्मेशन और डेटा। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।